गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो चलिए, आपको पता है ना हमारे दिन की शुरुआत कैसे होती है? ईश्वर को धन्यवाद देके, ईश्वर का स्मरण करके। क्यों करते हैं हम ऐसा? क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा जीवन दिया है ना? इसलिए हमें रोज उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि हमें रोज खाने को मिल रहा है, अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, अच्छे से सोने मिल रहा है। बहुत से लोग खाली पेट भी सोते हैं बेटा, है ना? तो अब हमें क्या करना है? कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना है कि आज अच्छा नहीं बना तो हम नहीं खाते, ये नहीं मिल रहा है तो नहीं खाते हैं। आपको पता है बहुत से लोग ऐसे जो बिना खाए ही सो जाते हैं। तो बच्चों चलिए, आंखें बंद करिए, हाथ जोड़िए और मैं के साथ दोहराएंगे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बच्चों पिछली क्लास में हमने कविता पढ़ी थी माँ, है ना? उसके हमने शब्दार्थ लिख लिए थे। आज उसी पाठ के हम लोग श्रुत लेख लिखेंगे और प्रश्न उत्तर। तो सब सभी बच्चे अपनी क्लास व कॉपी निकालिए और अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। आपने शब्दार्थ लिखे थे, उसमें दो ही शब्दार्थ लिखे थे, तो उसी के नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे? श्रुत लेख शब्द लिख लेंगे, है ना? जगह होगी आपके पास। चलिए हेडिंग करिए श्रुत लेख। श्रुत लेख हेडिंग डालिए। आंसू सबसे पहला शब्द है। आंसू, आपको इस शब्द को तीन बार लिखना है। आंसू, आंसू और आंसू। आंसू, आंसू नहीं बोलेंगे, आंसू। हंसी, साफ देखिए चंद्र बिंदी है इसमें। हंसी, हसी, हसी। अगला है रूठू, रूठू, रूठू। फिर है बिछुड़े, बिछुड़े, बिछुड़े। अगला है गुड़िया, 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 है ना? बोल बोल के लिखना है आपको ये। बोल बोल के लिखिए। और अच्छी राइटिंग में लिखना है, तीन बार लिखना है और डेट डाल लेना है आपको। कोई भी काम बिना डेट डाले नहीं करेंगे, हमेशा डेट डाल के वर्क करना है। बोले और लिखे, बोल बोल के लिखिए।
चलिए अब मैम प्रश्न उत्तर लिख रही है, आप वन टाइम लिख के लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए और तीन तीन बार लिखना है फिर आपको, है ना। चलिए अब हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर। हेडिंग डालेंगे आप लोग प्रश्न उत्तर। क्या डालेंगे? हेडिंग। माँ कब रोती है? माँ कब रोती है? बच्चों प्रश्न उत्तर लिख रही हूँ, मुझे एक बात याद है कि मुझे एक बच्चे ने वीडियो सेंड किया था प्रश्न उत्तर याद करके बता के, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बेटा सबको इस तरह से प्रश्न उत्तर याद करना है और अपनी मम्मा को सुनाना है, है ना। सभी मम्मियों से रिक्वेस्ट है अपने बच्चों से पूछें, है ना, जिससे उनकी लर्निंग बढ़ेगी। और आपको बोल के लिखना है, जो भी मैम लिखवाती बोले और लिखे, जोर से बोलना है और लिखना है और वन फिंगर डिस्टेंस लेके। माँ कब रोती है? माँ कब रोती है? बच्चे के रोने पर। माँ बच्चे के रोने पर रोती है। नई गुड़िया कौन दिलाता है? नई गुड़िया कौन दिलाता है? नई गुड़िया माँ दिलाती है। नई गुड़िया माँ दिलाती है। अच्छी सुंदर राइटिंग में और बोलने की आदत डाले, बोल बोल के लिखेंगे, वन फिंगर डिस्टेंस लेके बोल बोल के लिखना है। अगला प्रश्न भी लिख रही हूं मैं। बच्ची को अपने घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? सबसे अच्छा कौन लगता है? उत्तर में लिख लीजिए माँ, शॉर्ट आंसर में लिख लीजिए माँ। बच्ची को घर में सबसे अच्छा कौन लगता है? माँ। तीन है, दो और है, ये लिख लीजिए, फिर दो उत्तर और लिखेंगे दो मिनट बाद। स्क्रीनशॉट लेना ना भूले।
स्क्रीनशॉट भी ले रहे बच्चों और लिख ले है ना फटाफट, फिर दो और लिखवा देंगे हम। चलिए अब मैं आगे के प्रश्न उत्तर लिख रही हूँ। प्रश्न नंबर 4, क ख ग घ करा था मैम ने, अब घ वाला लिखेगी। घ घ गलती होने पर माँ क्या करती है? गलती होने पर माँ क्या करती है? क्या करती है? क्या करती है माँ? प्यार से समझाती है ना। देखिए आपको डरना नहीं चाहिए कि माँ आप डांटेगी, गलती हो गई, पिताजी डांटेंगे। कभी भी गलती हो तो अपने मम्मी पापा को बता देना चाहिए।
बच्ची ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है? बच्ची ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है? क्या प्रार्थना करती है बच्ची? कि उसकी माँ उससे कभी नहीं बिछुड़े, है ना? आप नहीं चाहते ना कि मम्मा से बिछुड़े हम लोग? बच्ची ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरी माँ मुझसे कभी ना बिछुड़े। बच्ची ईश्वर से प्रार्थना करती है कि मेरी माँ मुझसे कभी ना बिछुड़े। चलिए लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी लेके रखिए। चलिए आज का वक्त हमारा इतना ही है। स्क्रीनशॉट लेके उम्मीद है आपको अपना वक्त कंप्लीट रखना है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में इसी चैप्टर की हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो बुक लेके रेडी रहेंगे। चलिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।